स्वागत करता हूं मेरे चैनल रोबस बाज़ार पे। एक स्टॉक और नज़र में आ रहा है मन इंफ्रा, स्मॉल कैप कंपनी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की एक छोटी कंपनी। 52 वीक हाई की बात की जाए तो 131 और 52 वीक लो 45 रुपये। अब स्टॉक का अगर मार्केट कैप देखा जाए तो मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है 3600 के आसपास। और वन ईयर रिटर्न की बात की जाए तो 111% और वन मंथ के रिटर्न की बात की जाए तो शानदार 17.5% रिटर्न दे चुकी है कंपनी। तो अब इस स्टॉक में कितना अपसाइड बन रहा है ये हम चार्ट पे भी नज़र मार लेते हैं, और इस स्टॉक को हमें क्यों ख़रीदना चाहिए इसका लॉजिक और रीज़न हम चार्ट पे देख लेते हैं। ये आ गए हम मन इंफ्रा चार्ट के ऊपर। अब चार्ट में सबसे पहला रीज़न इस स्टॉक को ख़रीदने के लिए, स्टॉक एक अप ट्रेंड में है तो स्टॉक में एक अप ट्रेंड का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। सेकंड रीज़न ये है कि ये स्टॉक एलिगेटर इंडिकेटर को ट्रेड करके ऊपर ट्रेड कर रहा है और सारी कैंडल्स ऊपर बन रही है। और दूसरा रीज़न इसमें यह है कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है स्टॉक। ये आपको थोड़ा सा और क्लियर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, एक बुलिश कैंडल क्रिएट होने के बाद स्टॉक 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। तो जब भी 200 मूविंग एवरेज को कोई भी स्टॉक क्रॉस करता है तो उसमें एक स्ट्रेंथ अच्छी बनने वाली होती है और एक अच्छी बुलिश कैंडल क्रिएट होने चालू हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इसका नेक्स्ट लेवल और टारगेट जो बनता है 121 रुपीज़ का बनता है। इसमें अगर एक से डेढ़ महीने या दो महीने का टाइम पीरियड रखेंगे तो उसमें 121 टारगेट जाते हुए आपको दिखाई देंगे। तो स्टॉक में अगर कोई भी अगर आप स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहते हैं तो 86-87 रुपीज़ का प्लेस कर सकते हैं। स्टॉक की अभी करंट में पोजीशन है 98 रुपीज़ 70 पैसा। तो स्टॉक में आप बाय कर सकते हैं करंट स्तरों से और आप 121 के टारगेट के लिए इसमें बैठ सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। तो ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया था। थैंक यू सो मच।